किलोमीटर चलने के बाद हर व्यक्ति के पैर में छाले पड़ चुके हैं और यहाँ पर कुछ बम हैं और देखिए अब जा रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए चाचिया? हम लोग मध्य प्रदेश भोपाल से। भोपाल से? जी, भोपाल के भी आगे है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कोयला माइंस है। अच्छा, पाताखेड़ा क्षेत्र। कोयला से आए और बैतूल बहुत दूर है यहाँ से? कितने दूर है लगभग यहाँ से? यहाँ से लगभग 600-700 किलोमीटर। 600-700 किलोमीटर है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। जी जी। और आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? मेरा ये छठवां चांस है। कोरोना के कारण 2-3 साल। जी, आपका नाम जान सकते हैं? चंदा रायकवार। जी, आपका नाम? भी आए हैं वही मध्य प्रदेश से। साथ में आए हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। और आप लोग पैर में कुछ पहर के तो नहीं आए हैं तो पैर में छाले पड़ गए होंगे? हाँ, तो बाबा के उसमें होते हैं, छाले पड़ गए, फूट भी गया है। वहाँ से सुल्तानगंज से पैदल आ रहे हैं? जी हाँ। 105 किलोमीटर से, देखिए महिला है और 105 किलोमीटर से भगवान पे आस्था और बाबा पे आस्था, लोगों को क्या नहीं कराता। यहाँ तक पैर में देखिए छाले पड़ चुके, लेकिन कोई कम नहीं, उल्लास में कोई कमी आई है? ना ना, कोई कमी बिल्कुल नहीं। और खुशी हो रही है, मन्नत पूरी हो रही है ना, तो पहुंची गए, फाइनली पहुंच ही गए। फाइनली पहुंच गए। देखिए पहुंचने के बाद लोग कितनी खुशी होती है, शायद हम आप ये जाहिर नहीं कर सकते, इनकी आत्मा जानते होंगे कि यहाँ पहुंचने के बाद कितनी खुशी होती होंगी। हम लोग तो वैसे ट्रेन से आ चुके हैं और आप तो पैदल आए? पैदल। आप किधर समझ सकते हैं? 63 ईयर की। अच्छा, रिटायर्ड पर्सन हूँ। अच्छा, 2019 में रिटायर हो चुकी। अच्छा, उसके बाद भी बाबा पे आस्था। देखिए आपको बताओ, 63 साल की व्यक्ति अगर इस तरह रास्ते पे चल के आए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफें उनको उठानी पड़ती होंगी। और बहुत सारे यहाँ व्यक्ति हैं, उनसे कुछ बात कर ले। हम से बात करने की कोशिश करेंगे और हम दिखाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ से आए हैं और लगभग देश के कोने कोने से लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी आस्था जाहिर करते हैं और पैदल आते हैं, बहुत दूर से चल के आते हैं। आप कहाँ से आए? हम बलिया जिले से। बलिया जिला? अच्छा, ये बलिया से आए, आपका नाम क्या हुआ? आदित्य कुमार गुप्ता। आदित्य कुमार गुप्ता जी हैं और ये बलिया से चल के आए हैं, में छाले पड़ चुके हैं। कहाँ से आए आप? गोरखपुर। गोरखपुर से। जल कहाँ से उठाए आप? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर दूर है और पैर में छाले पड़ गए आपका? हाँ। जा रहे हैं आप? हमारे कोलकाता से। कोलकाता से? देखिए ये कोलकाता से आए। आपका नाम क्या हुआ? विश्वजीत। विश्वजीत, चलिए बहुत कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। पहले हम लोग जल चढ़ा और आज यहाँ पहुँच गए। अच्छा, मतलब बहुत दूर से आना पड़ा होगा। 105 किलोमीटर चल के सर। आप सुल्तानगंज से आ रहे हैं ना? हाँ, सुल्तानगंज से आ रहे हैं। देखिए सुल्तानगंज से आ रहे हैं, 105 किलोमीटर दूर है और पैदल, पैर में कुछ है नहीं। और हम और व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे। इधर ही आप कहाँ से हैं? पटना जिला। पटना जिला से। कैसा रहा ये यात्रा? बहुत बढ़िया रहा। कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। कितने सालों से आ रहे हैं आप? ये दूसरा साल हुआ। दूसरा साल। कितनी मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? बस जो भगवान की महिमा है, जो करेंगे से अच्छा ही करेंगे। अच्छा, आप कितने दिनों से आ रहे हैं? आप कितने दिनों से आ रहे हैं? कल ही तो जल उठाए हैं। नहीं, कितने बार आ चुके हैं? अच्छा, कितने बार आ चुके हैं? मेरा ये चौथा साल है। मतलब आपका नाम क्या हुआ? सागर था। कहाँ से आए हैं आप? साथ में ही है। कोलकाता? देखिए बहुत दूर, यहाँ से लगभग अगर कोलकाता की दूरी बता दो तो 500 किलोमीटर से दूर होगा। और 500 किलोमीटर से दूर से ये लोग आए हैं और हमें लगता है कि बाबा धाम भारत के कोने कोने में लोग यहाँ आते हैं, कोने कोने से, और विदेश के पर्यटन भी आते हैं, तो वो भी दिखाएंगे। अगर हमें मिलेंगे तो उनसे बात करने की कोशिश जारी रहेगी। घर यही है, जमालपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, देखिए।